गाइस, वेलकम टू आवर चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड। 10 बड़ी खबरों के साथ लेकर आई हूं मैं शुभांगनी आज का काउंटडाउन। तो चलिए सुपर स्पीड से शुरू करते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। नंबर 1, शाहरुख खान सलमान खान ने मड आइलैंड में टाइगर 3 के सीक्वेंस की शूटिंग पूरी कर ली है। दरअसल 10 मई से शुरू हुई इस सीन की शूटिंग कल यानी कि 16 मई को शाहरुख सलमान ने फिनिश किया है। बता दें कि शाहरुख टाइगर 3 में सलमान को बचाते हुए नजर आएंगे और शाहरुख सलमान मिलकर खूब तगड़ा एक्शन करते हुए दिखाई देंगे। नंबर 2, अजय देवगन स्टारर सिंघम अगेन की कास्टिंग पर बड़ी अपडेट सामने आई है। बताया जा रहा है कि फिल्म को लीड बाजीराव सिंघम के रूप में अजय देवगन कर रहे हैं। रोहित ने सिंघम अगेन के लिए मेन लीड में सभी कॉप यूनिवर्स को एक साथ लाकर एक कास्टिंग का तख्ता पलट कर दिया है। सिंघम अगेन में अजय देवगन, करीना कपूर खान, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, विक्की कौशल और दीपिका पादुकोण नजर आएंगे। इसमें जैकी श्रॉफ विलन के किरदार में दिखाई देंगे। बता दें कि फिल्म की शूटिंग इसी साल से अगस्त में शुरू होगी और अगले साल अगस्त में रिलीज की जाएगी। नंबर 3, शाहरुख खान के घर पर अमेरिकी अम्बेसडर एरिक गारेस्टी पहुंचे थे। इस मुलाकात पर दोनों ने फिल्म इंडस्ट्री के अलावा दुनिया भर में पड़े बॉलीवुड के असर पर भी चर्चा की। एरिक गारेस्टी ने खुद इस बात की जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए दी है। उन्होंने एक ट्वीट कर शाहरुख खान के साथ अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। उसके साथ ही उन्होंने एक नोट भी लिखा और शाहरुख खान को मेहमान नवाजी के लिए धन्यवाद भी किया है। नंबर 4, द केरला स्टोरी ने रिलीज के 12वें दिन यानी मंगलवार को 9.65 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। इस तरह फिल्म की टोटल कमाई 156.69 करोड़ रुपए हो गई है। द केरला स्टोरी पठान के बाद 2023 की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म बन गई है। इसने रणबीर कपूर की फिल्म तू झूठी मैं मक्कार के कलेक्शन को मात दे दी है। बता दें कि रणबीर की फिल्म ने इंडिया बॉक्स ऑफिस पर 148 करोड़ का कलेक्शन किया था। नंबर 5, राजकुमार राव श्रद्धा कपूर स्टारर सुपरहिट हॉरर कॉमेडी फिल्म स्त्री का मोस्ट अवेटेड सिक्वल 1 जुलाई से चंदेरी में शुरू होने के लिए तैयार है। फिल्म की मेन फोटोग्राफी 3 महीने तक चलने की उम्मीद है। फिल्म 31 अगस्त 2024 को रिलीज होने वाली है। बता दें कि इस पार्ट में भी मेन लीड के अलावा पंकज त्रिपाठी, अपार शक्ति खुराना नजर आएंगे। नंबर 6, सलमान खान की बजरंगी भाईजान के सिक्वल को लेकर कई दिनों से सुगबुगाहट चल रही है और अब इस पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी खुलकर बात की है। दरअसल खबर है कि फिल्म के राइटर विजेंद्र प्रसाद फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं और फिल्म का नाम पवन पुत्र भाईजान होगा। अब इस पर नवाज ने एक वेब पोर्टल को बताया है कि उन्हें फिलहाल इस फिल्म के लिए कोई ऑफर या अप्रोच नहीं किया गया है। नंबर 7, ऐश्वर्या राय स्टारर मणि रत्नम की डायरेक्टोरियल फिल्म पोनियन सेल्वन 2 ने भारत में टोटल 173 करोड़ रुपए की कमाई की है और ग्रॉस 204.14 करोड़ रुपए की बराबर है। बाकी 121 करोड़ विदेशी बाजार से आ रहे हैं। कुल मिलाकर दुनिया भर में टोटल 325.14 करोड़ रुपए हैं। मौजूदा स्पीड को देखते हुए फिल्म 350 करोड़ का आंकड़ा पार करने के लिए स्ट्रगल कर सकती है। नंबर 8, अमिताभ बच्चन ने बिना हेलमेट बाइक राइड करने पर अब सफाई पेश की है। दरअसल अमिताभ बच्चन हाल ही में बिना हेलमेट अजनबी संग बाइक राइड करते हुए नजर आए थे, जिसके बाद वो बुरी तरह ट्रोलिंग का शिकार हो गए। यहां तक मामला मुंबई ट्रैफिक पुलिस के पास भी पहुंच गया। अब ऐसे में अमिताभ ने मामले को सीरियसली लेते हुए एक बयान जारी किया है और सफाई दी है। अमिताभ ने अपने ब्लॉग पर एक लंबा नोट लिखा और अपनी बाइक राइड के बारे में एक्सप्लेन किया है। नंबर 9, राधिका मदान, आयुष मेहरा और रजत बार मेचा स्टारर कच्चे लींबू का धांसु ट्रेलर रिलीज हो गया है। इसे शुभम योगी ने डायरेक्ट किया है और राइटर नीरज पांडे हैं। इस मूवी की 47वें टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में स्पेशल स्क्रीनिंग भी हुई थी। आप इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म पर इसी महीने से देख सकते हैं। नंबर 10, 76वें कान फिल्म फेस्टिवल 2023 का आगाज हो चुका है। मंगलवार को फ्रेंच रिवेरा में लगे रेड कार्पेट पर स्टार्स ने अपना जलवा दिखाया है। इस दौरान हॉलीवुड इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस ने भी अपनी खूबसूरती के जलवे दिखाए हैं। पहले दिन कान फिल्म फेस्टिवल में सारा अली खान ने डेब्यू किया। सोशल मीडिया पर अब सारा अली खान का कान लुक खूब वायरल हो रहा है। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाए।